हाय स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जैम में 2019 में। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, आपको क्या करना है मेरे साथ साथ। पहले मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो आप ट्राई करना पहले, ऐसे ही हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। फिर जो आपका डाउट होगा मैं आपको डाउट क्लियरिंग सेशन दूंगा, तो उससे आपका जो डाउट्स होगा वो क्लियर होगा। ऐसे मैं आपको ट्रिकी नोट दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप सारे चीज़ एक साथ रिवाइज़ नहीं कर सकते हो, तो आपके रिवीजन के लिए वो बेनिफिट होगा। और मैंने वीडियोस बनाना इसलिए छोड़ दिया, लंबा लंबा वीडियोस जो लेक्चर सीरीज़ आपको जो मिल रहे थे, क्योंकि ये जो है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बोला कि भैया वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, हम उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे देखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये 5-5 मिनट के क्वेश्चंस के या 2-3 मिनट के कॉन्सेप्ट के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, अगर ऐसे वीडियोस आपको मिले डेली बेसिस पे, मतलब कि हर 1 घंटे 2 घंटे में, मतलब कि बहुत सारे अगर ऐसे आपको वीडियोज़ मिले, तो वो आप चंक की तरह यूज़ कर सकते हो, कभी भी आप कहीं भी बैठ के देख सकते हो, बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया। तो आप बताना आपको ये चीज़ कैसा लगा। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको समझाता हूँ कि वाई एक्स, यानी कि ये सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, लैम्डा ई का पावर 2x प्लस ई का पावर बीटा एक्स, जहाँ बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 2, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर का, इसका सॉल्यूशन है ये, और बोला जा रहा है सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा तो वाई क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे बेसिकली आपको अप्रोच हमेशा कैसे करना है, मतलब आपको जो चीज़ निकालना है वाई जीरो, आपको डायरेक्ट इसमें पुट करके अगर निकल जाए तो आप निकाल लो, कुछ आपको इसे कोई चीज़ से किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, वाई जीरो, यहाँ पे आपको वाई एक्स पता ही, तो आप क्या करोगे, वाई जीरो पुट करोगे। तो जैसे ही एक्स का वैल्यू आप जीरो लोगे तो क्या आएगा, लैम्डा ई का पावर जीरो प्लस ई का पावर जीरो, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा ई का पावर जीरो तो 1 होता है, और यहाँ पे 1 यानी लैम्डा प्लस 1। तो अगर आपको किसी तरह से लैम्डा का वैल्यू पता चल जाए तो आपका लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, आपका वाई जीरो आ जाएगा। तो हमें अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें पता है इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस डी बाई डी एक्स को हम एज अ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उसका वैल्यू हम एम लेते हैं। तो इसे आप पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन आप क्या लिखते हो, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस सिक्स, बेसिकली ये होता है इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जब ये ऑपरेटर यूज़ होता है तो ये वाई जो होता है ये कॉमन निकलता है एक तरह से, मतलब कि डी टू बाई डी एक्स टू हम लोग इसको ऐसे ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं, प्लस डी में, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट भी दे दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में ये सब नहीं बनाना, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। माइनस सिक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये पूरा चीज़ जब वाई पे लग रहा है तो ये जीरो बना रहा है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो बेसिकली उस आप लोगों को क्या देखना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। तो ये है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हो गया, जब अगर हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो इसे आप लिख सकते हो एम माइनस टू इंटू एम प्लस थ्री, इसे आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजी से। तो यहाँ पे आएगा एम का वैल्यू 2 एंड -3, तो यानी 2 और -3, यानी कि सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि अगर 2 और -3 इस तरह से हैं तो सॉल्यूशन आपके क्या होंगे, वाई एक्स इज इक्वल्स टू c1e का पावर 2x प्लस c2e का पावर -3x, ऐसा होगा। तो यहाँ से आप देखो तो आपका बीटा का वैल्यू आ गया ये, और यहाँ से आपका देखो कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, यहाँ पे c2 का वैल्यू 1 आ गया, बट ये लैम्डा यहाँ पे c1 है, तो ये अगर मैं c1 निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम c1 कैसे निकाल सकते हैं, हमें कंडीशन प्रोवाइडेड है कि dy by dx at x equals to 0 5 दिया हुआ है, तो हम निकालते हैं dy by dx। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, इसे आप अगर डिफ्रेंशिएट करो तो ये आएगा 2 c1 e का पावर 2x, फिर आएगा -3 c2 e का पावर -3x। जैसे आप जीरो पुट करोगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे 5 प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे जैसे आप जीरो रखोगे तो e का पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 c1, और यहाँ जीरो रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 c2। लेकिन अभी आपने देखा कि यहाँ से जब आपने कंपेयर किया सॉल्यूशन को तो c2 का वैल्यू 1 था, तो जैसे आप यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 c1 -3, और ये 3 जब 5 की जगह पे चला जाएगा तो 5 और 3 8, तो c1 का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी c1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4। और यही c1 अगर आप देखो कंपेयर करके, तो e का पावर 2x का कोफिशिएंट क्या है, c1, और e का पावर 2x का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू c1 है, c1 का वैल्यू 4, यानी कि लैम्डा का वैल्यू 4। तो यहाँ से आपका जो लैम्डा का वैल्यू आया वो आया 4, और हमने देखा था स्टार्टिंग में कि y0 हमारा क्या था, 4 प्लस 1, यानी कि लैम्डा प्लस 1 था। तो जैसे आप 4 प्लस 1 करोगे तो आएगा वैल्यू 5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 5। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से।
चलो, थैंक यू सो मच।